अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। हाय फ्रेंड्स, प्रगति दिस साइड मेरे YouTube चैनल सिंप्लीफाइड मैथ्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ रिवीजन स्ट्रेटजीज कि आपको रिवीजन किस तरह से करना चाहिए, क्या चीजें आपको रिवीजन करते टाइम करनी चाहिए और क्या चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए। पहले हम वो चीजें देखेंगे जो आपको करनी चाहिए रिवीजन के टाइम पे। पहली चीज, आपको रिवीजन टाइम टेबल बनाना है। यस, रिवीजन का भी टाइम टेबल होता है, वो आपको बनाना है। रिवीजन टाइम टेबल में आप क्या करेंगे, आप अपने टॉपिक्स लिख लीजिए और जितने मार्क्स के वो टॉपिक है वो भी लिख लीजिए, और जो ज्यादा मार्क्स के हैं उसको ज्यादा टाइम दीजिए, जो कम मार्क्स के हैं वो उसको कम टाइम दीजिए। इस टाइप से आपको रिवीजन इफेक्टिव बनाना होगा। सेकंड, आपको सिस्टमैटिक ऑर्डर में रिवीजन करना है। मींस सबसे पहले आपने जिस भी बुक से, जहां जिस भी नोट से आपने पढ़ा है वो टॉपिक, वहां से रिवाइज कीजिए। जो आपने याद कर रखा है वो चीज रिवाइज कीजिए। उसके बाद चैप्टर वाइज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, उनको रिवाइज करना है। रिवीजन के टाइम आप डायरेक्टली मॉडल टेस्ट पेपर या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में जंप बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज अगर आप ऐसा करेंगे और आपको उनमें से क्वेश्चन नहीं आए, मान लो कि आपके 20% ही क्वेश्चन सॉल्व हुए, 80% सॉल्व नहीं हुए, तो आप उससे डीमोटिवेट हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि सबसे पहले आप पूरा सिलेबस का रिवीजन कीजिए, उसके बाद जंप इनटू मॉडल टेस्ट पेपर्स। रिवीजन करते टाइम लिमिट सेट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज क्या होता है, हम रिवीजन करने बैठ जाते हैं लेकिन रिवीजन जो हमने स्टार्टिंग में हम लर्न करने लगे थे उतना नहीं, तो उससे थोड़ा 80% टाइम लग जाता है। 100 में से 80% आप टाइम यूटिलाइज कर लेते हो। मीन्स आपने अगर पहले याद किया है वो एक घंटे में एक लेसन याद किया है, तो आप यहाँ पे 45 मिनट्स में उसका रिवीजन कर रहे हो, जो कि गलत है। अगर आपको एक घंटा लगा था स्टार्टिंग में वो चीज़ याद करने में, तो आपका रिवीजन 20 मिनट्स में हो जाना चाहिए अगर आप सेकेंड टाइम करें। सो रिवीजन के टाइम लिमिट सेट करना बहुत जरूरी है। एंड नेक्स्ट थिंग इज, आपको अपना रिवीजन टाइम टेबल इस तरह से बनाना है, सबसे पहले आप रिवाइज करें जो आपको सबसे मुश्किल चीज लगती है, टफेस्ट टू फैमिलियर। जो आपको मुश्किल लगती है वो आप पहले रिवाइज करेंगे, जो आपको इजी टॉपिक्स लगते हैं वो आप बाद में रिवाइज करेंगे। आप रिवीजन किसी भी तरह से कर सकते हैं, अकेले बैठ के अगर रिवीजन अच्छा होता है तो अकेले बैठ के कीजिए, ग्रुप डिस्कशन में रिवीजन अच्छा होता है तो आप वो चूज कर सकते हैं, बट आपका रिवीजन अच्छे से होना चाहिए। आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, अकेले बैठ के या ग्रुप्स में विद फ्रेंड्स कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपको रिवीजन के टाइम पे भी कुछ चीज़ें नहीं आ रही है, कुछ चीज़ें मुश्किल लग रही है, तो आप उसको हेडलाइन कर लीजिए, ताकि मॉर्निंग में सुबह थोड़ा जल्दी उठ के आप वो चीज़ें फिर से रिवाइज कर सकते हैं बिफोर एग्जामिनेशन। आप वो चीज़ें देखते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है रिवीजन के टाइम पे। पहली चीज़, आपको कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है, नए नोट्स नहीं पढ़ने हैं, नया मटेरियल नहीं लेना है, नए टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं रिवीजन के टाइम पे, क्योंकि ऐसा करने से आपको डिमोटिवेशन ही मिलता है। जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसे और अच्छे से कीजिए। आपको कंटिन्यूअसली रिवीजन नहीं करना है, आप टाइम लिमिट सेट कर लीजिए, आपको डेढ़ या दो घंटे में इतने टॉपिक्स कवर करने हैं, इतने टॉपिक रिवाइज करने हैं, उसके बाद आप हाफ एन आवर का ब्रेक ले लीजिए, फिर से दो घंटे आप रिवाइज कीजिए, फिर हाफ एन आवर का ब्रेक ले लीजिए, और उस हाफ एन आवर में आप अवॉइड करना टीवी देखना, मोबाइल पे गेम्स खेलना, वो चीजें करना जिससे आपकी आंखों को रेस्ट मिले। पावर नैप ले लो, थोड़ी देर सो जाओ आधे घंटे के लिए, या कुछ खा लो या थोड़ा घूम के आ जाओ, ठीक है। रिवीजन के टाइम पे कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अरे यार हमें तो कुछ नहीं आता, हम तो सब कुछ भूल गए हैं, तो उस टाइम पे आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है कि नहीं, मुझे सब कुछ आता है, मैं अब अच्छे से रिवाइज करूंगा, बजाय इसके कि टोटली गिविंग अप द स्टडीज कि मुझसे तो होगा ही नहीं, मुझसे तो पढ़ाई नहीं होगी। आपको गिव अप कभी नहीं करना है रिवीजन के टाइम पे, आपको खुद को मोटिवेट करना है कि नहीं, मैंने ये पढ़ा हुआ है, ये मुझे आता है, मैं एग्जाम्स में कर पाऊंगा। ये थी कुछ टिप्स कि आपको रिवीजन कैसे करना है, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है। अगर ये आपको टिप्स हेल्प करें आपके एग्जामिनेशन में, तो मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।